Hello friends, welcome to your YouTube channel Dhirnesh. Before starting a video, I will request to guys please subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get early all the video related to this. आज इस वीडियो में जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन के बारे में सीखेंगे. पहले सीखे थे फाइव काइंड्स ऑफ नाउन, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं. और आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है उस वीडियो को देखिए और लाइक कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए उसको वीडियो को. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. और इसमें जो है नाउन जो है तीन तरह के होते हैं, थ्री काइंड्स के. पहला जो होता है वो प्रॉपर नाउन होते हैं, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं. और दूसरा जो होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन. इसको गणनीय संज्ञा बोलते हैं. गणनीय संख्या जिसको कि हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं उसको गणनीय संख्या बोलेंगे, और जिसको काउंटिंग नहीं कर सकते हैं इसको अगणनीय मतलब कि अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे. उसको अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन लेकिन अगणनीय अगणनीय संख्या होंगी. पहला जो प्रोपर नाउन जो है, पहले जो वीडियो बनाए हैं पार्ट वन उसमें प्रोपर नाउन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है. उसके बाद फिर भी इसमें जो है पार्ट में आ गया है काइंड में, तो इसको जो है कंप्लीट कर ही देते हैं. तो फर्स्ट नंबर में प्रोपर नाउन, जिसको कहते हैं अ प्रोपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टिकुलर पर्सन थिंग और प्लेस. मतलब कि किसी खास व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जो है हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन. मतलब कोई खास चीज होना चाहिए, समझे ना. उसके बाद इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे इसका तो प्रॉपर जैसे कि पर्सन थिंग और प्लेस हो गया, तो पर्सन में आ जाएगा किसी का भी नाम जैसे दे देंगे, जैसे राम. थिंग में जैसे दे दिए कोई भी चीज, जैसे रेड फोर्ट दे दिए. एंड प्लेसेस जैसे कोई भी जगह का नाम दे देंगे, ठीक है, न्यू दिल्ली. तो ये जो है वन टू थ्री थ्री होगा ये सबका. तो ये दिया गया पर्सन थिंग हो गया और प्लेस, ठीक है. तो ये सब जो है मेरा प्रॉपर नाउन में. और दूसरा जो है काउंटेबल नाउन देख लेते हैं. काउंटेबल नाउन दोस्तों, ये वीडियो जो है बहुत ही इजी है. ये नाउन जो है बहुत इजी है. आप लोग जानते हैं कि आप लोग इसको जानते होंगे बहुत सारे, लेकिन फिर भी ये बच्चा सब इससे कुछ सीख सकता है. लेकिन फिर भी इस वीडियो का आप लोग भी देखिए, शायद हो सकता है कुछ आपको समझ में आए या तो एक बार रिविजन हो जाएगा. क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं है, 10 मिनट का होगा इसका. 10 मिनट ऐसे ही कुछ इधर उधर टहलने में ही टाइम चला जाता है, लेकिन वीडियो को देख लेने से आपका कुछ तो लॉस नहीं होने वाला है, कुछ प्रॉफिट ही होगी. और ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बेसिक चीज़ जो है ऐसी चीज़ होती है जिसको नहीं करने के बाद आगे अगर हम कुछ बताएंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए इसको जो है हम बता रहे हैं, ठीक है.
वीडियो में बने रहिएगा, और इसके बाद जो है फिर जो नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे उसमें कुछ टफ लेवल का रहेगा, उसमें जैसे नाउन वगैरह को जैसे रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाएगा, तो उसमें कुछ टफ क्वेश्चन रहेगा, और उसको फिर देखिए आप लोग कैसे करते हैं सॉल्व, या फिर आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तब लगेगा कि नहीं किस के सवाल में दम है। चलिए अभी काउंटेबल नाउन के बारे में फिलहाल डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा द नाउन विच कैन बी, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। लेकिन जिसको हम काउंटिंग कर सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन हम लोग बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, तो जैसे द काउ, कुछ गायें हैं, क्लास एंड क्राउड, ये सब जो है काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे द काउ कुछ गायें हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं काउंटिंग कर सकते हैं। क्लास जैसे 200 300 400 स्टूडेंट्स हैं, उसको भी काउंटिंग कर सकते हैं। क्राउड भीड़, इसमें हजार की संख्या में, 2000 की संख्या में, 10000 की संख्या में भी भीड़ होगी, तो उसको भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन है, इसको देखते हैं। थर्ड नंबर में है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इसका सिर्फ अपोजिट, काउंटेबल नाउन के ये अपोजिट हो गया, द नाउन विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। मतलब कि द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, मतलब कि जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। इसका जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, तो शुगर हो गया, शुगर जो जैसे 100 ग्राम ले लेते हैं, तो उसको हम काउंटिंग करना बहुत ही वो असंभव हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा ये काउंटिंग करना। उसके बाद फिर सैंड ले लिए एंड ऑयल ले लिए, तो इन सारे चीज़ों को जो है हम काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना छोटा कण होता है कि इसको हम काउंटिंग करना ही हम लोग के लिए ना के बराबर है। ठीक है, तो ये सब हुआ। तो प्रॉपर नाउन सीखिए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन सीखिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम कुछ आपको इसमें दिखाना चाहते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल मॉडर्न क्लासिफिकेशन नाउन और जो एंशिएंट, मतलब कि पहले का जो प्रॉपर नाउन कॉमन फाइव काइंड के जो होते हैं, तो उसके बारे में कुछ कंपेयर करेंगे। जैसे पुराना ग्रामर के अनुसार जो है, ओल्ड ग्रामर के अनुसार, और मेरा आधुनिक मतलब कि जो मॉडर्न जो है, मॉडर्न ग्रामर, ओल्ड लिख देते हैं, ओल्ड ग्रामर और मॉडर्न ग्रामर, इसके अनुसार देखते हैं। और ओल्ड ग्रामर के अनुसार मेरा जो है सबसे पहले प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन हुआ, कॉमन नाउन, उसके बाद फिर कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फाइव काइंड्स होते हैं। और ये जो है थ्री काइंड्स, प्रॉपर नाउन इसमें है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया नाउन। अब इसमें कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, इन दोनों को मिला करके जो है यहाँ पे काउंटेबल नाउन को बनाया गया है, काउंटेबल नाउन। ठीक है,
अब उसके बाद मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन दोनों को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया। अगर अब बात होगी क्या कि कॉमन और कलेक्टिव हम काउंटेबल नाउन कैसे बोल सकते हैं, देखिए कॉमन नाउन होता है क्या, किसी निश्चित चीज के बारे में, ठीक है, किसी निश्चित चीज के बारे में, जैसे हम देखेंगे कोई भी चीज हो, सॉरी कोई निश्चित चीज नहीं, जो पूरे जाति का बोध, जैसे कि लड़का है वो पूरे लड़का जाति का बोध है, और कलेक्टिव नाउन मतलब कि कुछ चीजें होता है जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, गाय की झुंड हो गई, ये सारा चीज, ठीक है, तो इसको भी हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे गाय की झुंड है या तो बंच ऑफ की मतलब चाबियों की गुच्छा है, तो 100, 200, 50 चाबी इतना हो सकता है, उसको हम काउंटिंग कर सकते हैं। और उसमें तो मेटेरियल नाउन, जैसे अब इसको अनकाउंटेबल मेटेरियल नाउन होता है क्या, कोई द्रव्य चीज, जैसे कि ऑयल हो गया उसको काउंटिंग नहीं कर, शुगर हो गया, ठीक है, ये सबको हम काउंटिंग नहीं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ जिसको सिर्फ हम लोग महसूस कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, मतलब कि टच नहीं कर सकते, जैसे कि हम बोलते हैं बचपन, बचपन किसी और का, लेकिन अपना जो बचपन का है उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि उस वो जो बचपन था हम लोग का कितना अच्छा था, या तो कितना बुरा जो भी था, तो मेरा वो कैसा, सिर्फ उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। और इन दोनों को मिला के मेरा अनकाउंटेबल नाउन हुआ, कॉमन कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल, और प्रॉपर नाउन को मिला करके प्रॉपर नाउन को प्रॉपर नाउन हुआ, ये दोनों में सिर्फ यही मतलब कि अंतर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दोनों को मिला के बना दिया गया है बस, और कुछ नहीं, सेम टू सेम वही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को कि ये वीडियो मेरी काफ़ी पसंद आई होगी, और मेरी इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।